हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर को बहुत प्रॉपर तरीके से एंड किया था। आई थिंक 16 या 17 क्लासेज हम लोगों ने उसमें फिनिश किया, पूरा चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया। जहाँ पे डाउट्स हो सकता था वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको नए नए तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कराए। जो हमारे लेवल के बच्चे होते हैं उनसे भी थोड़ा सा हाई लेवल कराया ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेरे बच्चे, आज जो है हमारा नया चैप्टर आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। लिखिए मेरे साथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम इस चैप्टर के अंदर में एंट्री करेंगे और इस चैप्टर को बहुत प्यारे तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, फिनिश करेंगे, ठीक वैसे जैसे हमने बाकी चैप्टर्स को फिनिश किया है। लेकिन आज हम फिनिश होने की बात ना करके हम स्टार्ट करने की बात करते हैं। मेरे बच्चे, ये जो आपका चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें आज जो हमारा डिस्कशन होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिटायरमेंट को लेकर चलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मैं आपको ये भी बता दूँ, लिख लो पहले आप यहाँ पर, आज का डिस्कशन हमारा रिटायरमेंट का है, डेथ का नहीं। और रिटायरमेंट में, डेथ में 95% बातें बिल्कुल सेम होती हैं। मैं कम ही बता रहा हूँ, 99% बोलूँगा तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट में क्या होता है बच्चे, कि हमारे पार्टनरशिप से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, निकल जाता है, चला जाता है। डेथ में भी क्या होता है कि वो आदमी मर गया और हमारे बिजनेस वो बाहर हो जाता है, पार्टनरशिप हमसे अलग हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिटायरमेंट के बाद वो पार्टनर ज़मीन पर ही रहता है, लेकिन डेथ के बाद वो किसी और जगह, मतलब भगवान जी के पास चला जाता है। मेरे बच्चे, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो रिटायरमेंट में और डेथ में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम बात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की करते हैं तो आइए आज हम रिटायरमेंट पे बात करेंगे, डेथ की बात के लिए हम आगे आएंगे। फिलहाल रिटायरमेंट पे प्रोसीड करते हैं आपका। इसमें ध्यान रखना, रिटायरमेंट का मतलब बता चुका हूँ कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर निकलना चाहता है, वो कहता है कि हमें आपके साथ नहीं रहना, तीन पार्टनर यहाँ पे काम कर रहे थे मेरे बच्चे, ए बी एंड सी, सी कहता है कि अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना, तो वो रिटायर हो सकता है, निकल सकता है। सर, निकलने के क्या क्या तरीके हैं मेरे बच्चे, तीन तरीके हैं। अगर मान लो हमारे बीच में पहले से ही एग्रीमेंट है कि हाँ ये पार्टनर इतने समय के बाद रिटायर हो जाएगा, पहले से हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उतने समय के बाद वो रिटायर हो जाता है। सेकंड जो होता है कि अगर सारे पार्टनर्स कॉन्सेंट, मतलब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए कि इस पार्टनर को हमें बिजनेस से हटाना है, रिटायर करना है, तो वो रिटायर हो जाता है मेरे बच्चे। और तीसरा, इट्स एट विल। विल का मतलब होता है कि अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट है कि हम तीनों में से कोई भी जब कभी भी चाहे तो वो बिजनेस से रिटायर हो सकता है, तो वो बस एक आपका नोटिस सर्व करेगा और नोटिस सर्व करके वो रिटायर हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इवन दो सारे पार्टनर्स एग्री नहीं है, मेरे कहने का मतलब अगर ये रिटायर होना चाहता है और ये लोग एग्री नहीं करते तो भी रिटायर हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप का रिटायरमेंट एट विल पे है, तो विल मतलब इच्छा, तो उस केस में बाकी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी नहीं है, वो पार्टनर्स निकल सकता है। तो ये बातें मैंने आपको थ्योरी में स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको बताया है, आपको इसको पढ़ लेना है। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए, कि ये लिखना नहीं, बस सुनना मेरी बात, ये सारी बातें मैंने बुक में आपके नोट्स में दिया हुआ है। कहते हैं कि लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसकी लाइबिलिटी क्या है। सर, कहने का चाहते हो, पहले बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, आपके बुक में मैंने दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में आपको यही दिखाई देगा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो, अगर मान लो ये पार्टनरशिप फर्म थी और ये पार्टनरशिप फर्म पहले से काम कर रही थी, तो मेरे बच्चे इस फर्म ने पहले से बहुत सारे कर्ज भी लिए होंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी किए होंगे, कई लोगों ने इन तीनों पार्टनर्स को एक साथ देख के एग्रीमेंट भी साइन किया होगा। तो बात ये उठती है कि अगर मान लो है कि यहाँ पे ये पहले से तीन पार्टनर थे ए बी सी, और इस दिन पे मान लो 1 अप्रैल 2019 को मान लो यहाँ पे क्या होता है, बी बोलता है कि भैया मैं तो रिटायर कर रहा हूँ, बी रिटायर्स, मतलब बी यहाँ से निकल गया, तो क्या होगा, जो इस दिन के पहले कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टनरशिप फर्म ने लिए थे, क्या होगा जो इसके पहले कर्ज अगर इस पार्टनरशिप फर्म ने लिए थे, मेरे बच्चे ध्यान सुनना, इसके पहले यानी कि बिफोर रिटायरमेंट,
बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले, किसका रिटायरमेंट जी, बी रिटायर हो रहा है, इसके पहले अगर इस फर्म पे किसी भी तरीके का लायबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कोई भी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, सुनो मेरी बात, सेक्शन 32 सबसेक्शन 32 रिपीट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के पहले अगर इस फर्म के ऊपर में कोई लायबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है कि उन लायबिलिटी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिटायरिंग पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सर जरा ठीक से समझाओ ना, मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे। मान लो 1 अप्रैल के पहले इस फर्म ने, फर्म का मतलब क्या हुआ, ABC तीनों ने मिलके एक बैंक से लोन लिया था, बैंक लोन आपका, और लोन मान लो 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए का। अब होता क्या है कि आज बी का रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद, ए और सी ने क्या किया, बैंक लोन का पेमेंट करने से मना कर दिया। बैंक लोन का कहता भैया हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्या अगर बैंक लोन का पेमेंट करने से ए और सी ने मना कर दिया, तो क्या ये लोन वाला जो है, क्या बी पे भी केस करेगा क्या, क्योंकि बी तो रिटायर कर चुका है। तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है कि आपके रिटायरमेंट के पहले कोई भी लायबिलिटी अगर इस फर्म के ऊपर थी और उसके पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो बी है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरे बच्चे वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है। सर वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा, वो तो पार्टनर रहा ही नहीं। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन एक्ट कहता है कि जब लोन लिया गया था तब तो आप पार्टनर थे, तब तो आप पार्टनर थे, तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ अगर मान लो यहाँ पे ए और सी जो है, ए और सी रिटर्न में इस बात को दे देते हैं कि नहीं जी इस लोन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब यहाँ पे जो बी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और हम इस लोन का पेमेंट कर देंगे, अगर वो काम कर देते हैं, अगर वो रिटर्न में इस बात को दे देते हैं और बैंक वाला भी अगर एग्री हो जाता है, तो ही सी की कौन रिटायर हो रहा था जी, बी के रिस्पॉन्सिबिलिटी हटेगी। दोबारा सुनिए मेरी बात, कोई भी लायबिलिटी रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट डेट के पहले क्रिएट किया गया है तो तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बाद में कोई डिफॉल्ट होता है उसमें बी को भी अपने घर से पेमेंट करना पड़ेगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो, लेकिन ए सी और साथ ही साथ बैंक वाला अगर एग्री हो जाते हैं तो बी को हम छोड़ सकते हैं, ऐसा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है। ब्रैकेट में बात है जो सबसेक्शन की होती है, लेकिन फिर उठा के ठीक है जी चलो समझ में आ गया, लेकिन 1 अप्रैल को अगर बी रिटायर हो गया और इसके बाद मतलब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अगर मान लो इस फर्म ने कोई लोन लिया, मान लो लोन ले लिया राम से, लोन फ्रॉम राम, अगर रिटायरमेंट के बाद मान लो 5 लाख का लोन लिया, तो क्या इस लोन के लिए भी यहां पे बी आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर जिस दिन बी का रिटायरमेंट हो गया उसके बाद ए और सी ने मतलब फर्म ने मिलकर कोई लोन लिया, तो क्या उसके लिए भी बी रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरे बच्चे उस केस में सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 आ जाता है, और सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 ने कहा है कि अगर जब बी का रिटायरमेंट हुआ था उस दिन पे बी ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया था, पब्लिक नोटिस का मतलब होता है किसी पेपर में अखबार में उसने नोटिस निकाल दिया था कि भैया हम इस पार्टनरशिप से रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर उसने पब्लिक नोटिस निकाल दिया है तब तो इसके बाद की जो लायबिलिटी होगी उसमें बी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा मेरे बच्चे। लेकिन अगर बी ने यह पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया है, लोगों को, जनता को यह बात नहीं बताया है, तो उस केस में बी अभी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि कल को भगवान न करे कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में जाते हैं और अगर आपका रिटायरमेंट हो जाता है या वो पार्टनर जो बाकी पार्टनर है आपको मार के अपने पार्टनरशिप से निकाल देते हैं, तो उस केस में आपका पहला फर्ज क्या बनता है, एक पब्लिक नोटिस इशू करना। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है किसी भी अखबार में एक नोटिस निकाल देना कि हम यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, अब इसके आगे की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उस केस में अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 के अंदर में आप भी उस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए क्योंकि वो जनता, वो लोग जिन्होंने कर्ज दिया उनको शायद इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कर्ज दे दिया आपके नाम पे, तो इसको माना जाएगा। लेकिन सर किस किस पेपर में देंगे,
कौन से पेपर में, और हमें कैसे पता चलेगा कि जो आदमी कर्ज दे रहा है वो उस पेपर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमें उससे मतलब नहीं है। कहते हैं कि किसी भी अखबार में बस पब्लिक नोटिस निकाल दो, अब वो आदमी पढ़े ना पढ़े उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होती मेरे बच्चे। तो रिटायरमेंट के अंदर में ये कुछ आपके थ्योरीज है, हमने दो सेक्शन बताया, 32 सबसेक्शन 2 एंड 32 सबसेक्शन 3, इसको याद रख लेना, कहीं एग्जाम में अगर आ जाएगा कि बताओ जी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको सेक्शन के द्वारा अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिखना कैसे, क्या क्या, वो सारी बातें मैंने आपको आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये हमारा इसका छोटा सा थ्योरी था, और भी थ्योरी की बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी, वो हम आगे देखते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मुद्दा बच्चे चैप्टर को आगे बढ़ाने का है, और क्योंकि हमने एडमिशन पढ़ लिया है, हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिया, तो ये चैप्टर बहुत सिंपल होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वहीं से आपके निकल के आएंगे। लिखिए मेरे साथ आज के इस चैप्टर के अंदर में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लिखिए जरा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पर बच्चे टॉपिक्स में पहला टॉपिक आपका है कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ये नाम आपके लिए पुराना नहीं है, नया नहीं है, आप इस बात को जानते हैं कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, और हम आज उसका अच्छा डिस्कशन भी करेंगे। फिर आपका यहाँ पे दूसरा आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे आपके पास आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। फिर वही आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, बिल्कुल सेम है ये जो हम पहले देखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं गुजारेंगे, बस मीनिंग समझा के फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, बिल्कुल सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पांचवा यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ये भी हम सीखे मेरे बच्चे, हम ज़्यादा समय यहाँ भी नहीं गुजारेंगे। बस बात जो सीखने वाली है ना, वो आपका सिक्स यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट्स सीखेंगे, एडजस्टमेंट्स जो आपके आएंगे इन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, माफ़ कीजिए, या एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माफ़ी क्यों, ठीक तो बोला मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे एडमिशन में नहीं था एडजस्टमेंट करना, उसी तरीके से हम यहाँ भी सीखेंगे, और फिर कुछ ज़्यादा छोटी छोटी बातें आएंगी, हम उसको चैप्टर के साथ देख लेंगे। मैं काम करता हूँ, आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लो, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, और जो थोड़ा सीखने को अच्छा मिलेगा तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, उसके बाद तो बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगेगा, बाकी बातें बिल्कुल सेम हैं, हम उसको रिटायरमेंट डेथ में ला के मर्ज कर देंगे। एक बात याद रखना, अभी ऐसे तो रिटायरमेंट को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन 99% कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट डेथ के सेम होंगे, जब डेथ को पढ़ाऊँगा तो बोलूँगा एज सेम एज इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपका, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ और पहले टॉपिक पर आपके पास आता हूँ, ये हमारा हट गया, और लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे आज का जो टॉपिक आपके साथ शुरू कर रहा हूँ मेरे बच्चे, जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आपका यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मैं भूल गया उस टॉपिक का नाम, हाँ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू, लिखिए मेरे साथ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। हम लोग यहाँ पे न्यू एंड गेनिंग रेशियो को आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, और पहले बता दूँ एडमिशन में जितनी सारी बातें हुआ करती थी ना, वो ऐसे हुआ, रिटायरमेंट में उसमें उतना कुछ होता नहीं मेरे बच्चे, बहुत सिंपल बातें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो ध्यान से, लिखना बंद करो, मेरी बात पहले सुन लो, समझ में आ जाएगा, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। देखो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है, सर लिखे नहीं लिखना, बस सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, इनका प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 का था, इनका जो प्रॉफिट रेशियो आपका बता रहा है पहले से, वो कहता है कि 2:2:1 का था। फिर कहता है कि देखो जी अब यहाँ पे एक्स रिटायर हो गया, ये हम इसको ओल्ड बोलते हैं, ये ओल्ड रेशियो मतलब पहले से, अब हम न्यू रेशियो की बात करते हैं, न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनना मेरे बच्चे, अगर मान लो एक्स का रिटायरमेंट हो गया, एक्स बिजनेस से चला गया और कुछ आगे चेंज नहीं बताता, कुछ नहीं बताता कि वाई जेड के बीच का रेशियो क्या होगा, तो जो रेशियो इनके बीच में एग्जिस्टिंग है वही रेशियो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मतलब 2:1।
फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम जितना भी प्रॉफिट कमाया करते थे, जितना प्रॉफिट कमाया करते थे उसको हम पांच टुकड़े में डिवाइड करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, और पांच में से दो टुकड़ा जो है ये हम एक्स को दिया करते थे, दो टुकड़ा जो है वो हम वाई को दिया करते थे, और एक टुकड़ा जो है मेरे बच्चे ये हम किसको दिया करते थे, जेड को, पहले होता था। लेकिन अब क्योंकि एक्स का रिटायरमेंट हो गया तो प्रॉफिट अभी भी उतना ही है, लेकिन मेरे बच्चे अब तीन टुकड़े में डिवाइड किया जाएगा। तो ये तीन टुकड़ा यानी कि 1, 2, 3, और इसमें से जो दो टुकड़ा होगा, ये टुकड़ा आपका दो, ये कहता है कि वाई के पास चला जाएगा, और एक टुकड़ा जो आपका होगा ये जेड के पास चला जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा कि अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहे और आगे कुछ चेंज ना बताए तो मेरे बच्चे न्यू रेशियो भी आपका 2:1 हो जाएगा। एक बात और बता दूं, मैं आगे प्रूफ भी करूंगा, आप चिंता नहीं करना, कि जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो, जरा बताओ एक्स चला गया तो एक्स का भी हिस्सा किसको मिल गया, वाई जेड को। देखो ना, पहले जो हिस्सा था आपका, अब वो एक्स चला गया तो क्या वाई जेड को ही मिल रहा जी आपका। तो मेरे बच्चे जो एक्स का जो शेयर था ना, एक्स का शेयर, उसका जो गेन है ना, जो गेन, वो गेन भी इनके बीच में 2:1 में ही रहेगा। मतलब जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो जो न्यू रेशियो निकल के आया वही गेनिंग रेशियो आया। मैंने कहा कि अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और आगे कुछ ना बताए तो मेरे बच्चे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जो पहले था आपका वो रह गया। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि जितना आपको पहले मिलता था उतना ही मिल रहा है। पहले प्रॉफिट को हम पांच टुकड़े में डिवाइड करते थे, अब प्रॉफिट तीन टुकड़े में डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि आपने कुछ गेन किया होगा। वो गेन किस रेशियो में हुआ होगा तो न्यू रेशियो ही गेनिंग बन जाएगा। इसी बात को मैं प्रूफ करूंगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आ गया अच्छी बात है, मैं प्रूफ कर दूंगा तो आपका मन शांत हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों को प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, और आइए उसी प्रोसेस में मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आपके बुक के अंदर में कौन कौन सी बातें निकल के आती हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं, और जरा आ जाओ मेरे साथ आप अपने बुकलेट के अंदर में, बुक के अंदर में, और मेरे बच्चे मेरे साथ आप देखेंगे यहाँ पे बुक के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1। आओ ना, देखो मेरे साथ क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे, कुछ खास ज़्यादा इसमें है नहीं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपने खुद करना है। तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, लिखिए मेरे साथ। आप सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 1 का, यहाँ पे पढ़ो जरा क्या बता रहा है। ABC वेयर पार्टनर्स मिला आपको, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, आपका कहता है 1/2, 2/5, 1/10। ये क्या है, मैं एक चीज़ बता दूँ, पहले यहाँ लिखो पार्टनर्स के नाम, जैसे हम पहले क्या करते थे, ये ABC, थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखना। ओल्ड रेशियो जो है मेरे बच्चे ये कहता है आपका 1/2, यहाँ लिख रहा हूँ आप मत लिखना, 1/2, फिर कहता है आपका कहाँ गया, 1/2 के बाद 2/5 एंड 1/10, यही है ना सर। हाँ मेरे बच्चे, ये तो शेयर है, जब रेशियो आपको निकालना होगा, रेशियो जो चाहिए आपको यहाँ लिखने के लिए, तो सबको आपका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर मैं सभी का डिनोमिनेटर सेम करता हूँ तो सबको 10 में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना आ गया जी 5/10, यहाँ कितना आ गया 4/10, इनका कितना आ गया 1/10। मतलब ये देखो, अब ओल्ड रेशियो 5:4:1 हो गया, मैं वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5/10, यहाँ पे 4/10, और यहाँ पे आपका 1/10, ये ओल्ड रेशियो हो गया। यहाँ पे न्यू रेशियो लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, और यहाँ पे गेनिंग इसलिए क्योंकि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर जाएगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो उसका जो शेयर पहले से था उसको हम लोग गेन करेंगे, पहले उसको मिला करता था अब हमें मिलेगा, समझो मेरी बात। अगर हमारे घर में हम तीन भाई बहन हैं, एक मैं, एक आप और एक तीसरा कोई यहाँ पे है, मान लो तीन रोटी मैं खाता था, तीन रोटी आप खाते थे, तीन रोटी ये खाते थे, समझो मेरी बात, तीन मैं खाता था, तीन आप और तीन वो, तीन भाई बहन थे हम लोग। अब इसमें से क्या हुआ कि अगर मान लो ये भाई घर छोड़ के चला गया, तो जरा बताओ पहले रोटी कितना था, 9, अभी भी रोटी कितना है, 9, लेकिन अगर ये नहीं रहा तो अब 9 को क्या करेंगे, हम इक्वली डिवाइड करेंगे,
देख रहे हो यहाँ पे, तो 9 में 4.5 रोटी आपका, 4.5 मेरा निकल के आ जाएगा। समझ मेरी बात, यानी कि किसी पार्टनर के रिटायर होने से या उसके डेथ होने से जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच जाते हैं वो गेन करते हैं मेरे बच्चे। तो जरा देखो ना क्वेश्चन में आगे क्या बता रहा है, पढ़ो जरा यहाँ पे। एबीसी और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ आपका ये 5:4:1 हो गया जो हमने लिख दिया। फाइंड द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, नया रेशियो क्या आएगा, गेनिंग रेशियो क्या आएगा ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। कहता है कि केस वन में अगर ए का रिटायरमेंट हो जाए, मतलब यहाँ पर भी मेरे बच्चे वन में भी आपका नंबर ए है, नंबर ए की बात कर रहे हैं, जहाँ कहता है कि ए का रिटायरमेंट हो गया, तो ठीक है ए को हमने नए बिजनेस से हटा दिया, ए को हटा दिया, आप सुनो मेरी बात ना, ए को हटा दिया मेरे बच्चे। आगे कहीं भी नहीं बता रहा है कि आखिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उनके बीच का न्यू रेशियो क्या होगा, कहीं भी नहीं बता रहा। तो कोई बात नहीं, फिर आप एक काम करना, यहाँ देखो जरा रेशियो क्या था जी, 5:4:1 यही था ना बच्चे। अब कहता है कि ए का रिटायरमेंट हो गया, केस वन में कौन है, ए का रिटायरमेंट। तो अगर ए का रिटायरमेंट हो गया और कुछ ना बताया तो अब हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 4:1। आप समझो मेरी बात ना, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया तो हटा दो, उसके बाद जो पार्टनर्स बच गए अगर कुछ चेंज नहीं बताएगा तो जो रेशियो यहां पे वही रह जाएगा 4:1, यानी कि बी का शेयर अब 4/5 हो गया। याद रखना 4/10 नहीं, अब 4/5, क्योंकि प्रॉफिट को 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा और इसमें से 4 टुकड़ा आपको, और आपको कितना जी, 1/5 आपका, क्योंकि आप तो चले गए ना, तो रेशियो क्या हो गया, 4:1 आपका, ठीक है ना, ये न्यू रेशियो आपका हो गया। आप सुनो मेरी बात, अब बात उठी गेनिंग रेशियो की, तो मेरे बच्चे गेन का मतलब होता है, ध्यान रखना ये हमेशा होगा कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा ना तो अब हमारा जो शेयर है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पहले। हम पहले 3 रोटी खाते थे, अब हम 4.5 रोटी खाएंगे। तो अगर वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो, विल टेक ऑलवेज ऑलवेज न्यू माइनस ओल्ड, नया माइनस ओल्ड, मतलब आज अब हमें कितना मिल रहा है माइनस ओल्ड, पहले क्या था, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके आप गेनिंग निकालेंगे। क्योंकि समझो ना मेरी बात, जब हम बात गेन करने का कर रहे हैं तो गेन तभी होगा जब अब हमें ज़्यादा मिल रहा है, तभी तो गेन कर रहे हैं। अभी अब मतलब क्या, नया रेशियो आपका, तो ये हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होगा। अब सुनो देखो गेनिंग क्या निकल के आता है मेरे बच्चे, ए तो चला गया, ए का कोई गेन क्या हुआ, हम बी का गेन हुआ कितना जी, न्यू आपका 4/5 है और यहाँ पे इनका ओल्ड कितना है, 4/10, तो ये कितना आपका निकल के आ गया, यहाँ पे 10 कर दिया हमने, तो दिस इज योर 4/10 आपका निकल के आ गया, है ना। एलसीएम निकाला 2 × 4 = 8 − 4, ये निकल गया। और सी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सी का जो गेन होगा मेरे बच्चे, न्यू यानी कि 1/5 − 1/10 आपका, ये आ गया 1/10, यानी कि अगर कोई पूछता जरा बताओ न्यू रेशियो क्या बनेगा आपका, ओल्ड, चलो मैं तीनों लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो क्या आपका हो गया, न्यू रेशियो क्या हुआ और गेनिंग रेशियो क्या हुआ, गेनिंग रेशियो। तो देखो ना अब मेरी बात यहाँ पे प्रूफ होगी, ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे 5:4:1 हो गया, 5:4:1, न्यू रेशियो ए के जाने के बाद अब हमारा क्या हो गया जी, 4:1 यानी कि 4:1, और गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया, 4:1 आपका, देख रहे हो यहाँ पे, ये कन्फर्म्ड है कि अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और कोई पार्टनर रिटायर हो गया और आगे कुछ ना बताए तो जो पहले से आपका रेशियो था वही नया रेशियो हो जाएगा और गेन भी वही निकल के आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे जब नया रेशियो वो हो गया तो जो ओल्ड का जो चला गया पार्टनर उसका गेन भी हमने उसी रेशियो में क्या होगा, यहाँ पर मैंने प्रूफ किया आपको। बातें अभी और सारी आएंगी, आप चिंता ना करना, लेकिन आप इसको लिख लो। ये कब हुआ जी, केस वन था, ए था, जब ए का रिटायरमेंट हुआ। उसी तरीके से कहता है जरा बताओ जब बी रिटायर होगा तो क्या करेंगे, वो काम अब नहीं कराने वाला, वो अब खुद कर लेंगे। क्योंकि अगर बी का रिटायरमेंट होता है, चलो एक करा ही देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी, इसको मिटा दूँ मैं, ये हो गया सर, हाँ सर हाँ, तो फिर मैं इसको हटाता हूँ, और मैं आपका क्वेश्चन वन, केस वन जो था आपका क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर वन का, पार्ट वन का केस वन करा दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बी में, बी पार्ट, बी में आइए, फिर से आप लिखेंगे पार्टनर्स ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये फॉर्मेट बना लो। और कहता है जरा बताओ इस बार क्या होगा अगर बी रिटायर होता है तो पहले तो पार्टनर्स का नाम बताइए क्या क्या था यहाँ पे, ए बी एंड सी,
ओल्ड रेशियो निकाला था जी हमने 5/10, 4/10 एंड 1/10। जब भी क्वेश्चन के अंदर में रेशियो का डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो आगे के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई खास रीजन नहीं है। अब कहता है कि भैया बी रिटायर हो गया तो हटा दो। अगर पहले हमारा रेशियो 5:4:1 का था और बी चला गया तो हमारे बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। 5:1 का मतलब अब आपका हो गया 5/6 और इनका हो गया 1/6। कहने का मतलब है कि पहले प्रॉफिट 10 टुकड़ों में डिवाइड होता था, इसमें 5 आप 4/1 एंड 1 आप लेते थे, अब प्रॉफिट को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 6 में से जो रेशियो हमारा था मतलब 5 मैं ले लूंगा 1, तो ऑब्वियस बात है कि पहले 10 टुकड़ों में से 5 मिलता था, अब 6 में से 5 मिलेगा तो आपको ज़्यादा ही तो मिलेगा, मतलब वो गेन कितना है। तो 5/6 न्यू माइनस 5/10 ओल्ड आपका, मेरे बच्चे ये कितना आ गया देखो जरा, तो 10 एंड इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 25 माइनस 15 20, ये आपका 10/30 निकल के आपका आ गया, 10/30 निकल के आपका आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका गेन तो 1/6 माइनस 1/10 आपका, तो यहाँ पे 30 6 5 5 माइनस आपका 3 यानी कि 2/30 निकल के आ गया। तो अगर हम यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो देख ले, पहले ओल्ड रेशियो जो हमको पहले से पता है 5:4:1, न्यू रेशियो अगर देखा जाए, न्यू रेशियो आपका देखा जाए तो इसके जाने के बाद हमारा रेशियो क्या हो गया जी, 5:1 आ गया। और अगर हम गेनिंग की बात करें मेरे बच्चे, गेनिंग का तो 10:2 हो गया, 10 ये तो हट गया 2, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और नीचे ले कर आए, 2 से दोनों को डिवाइड कर दें तो 2 5 जा एंड 2 1 जा, तो 5:1 सेम निकल के आ जाएगा। ये हमेशा होगा मेरे बच्चे, ये हमेशा होगा। अगर हमारे धरती पे फिर से वो राम जी और रावण जी की कहानी रिपीट हो जाती है, अगर फिर से कोई नया रामायण बन जाता है तो भी ये सच होगा, तो भी हमेशा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस कॉन्सेप्ट से आगे मतलब हट नहीं सकते। अच्छा सर, तो सर सी भी आप कराओगे? नहीं बच्चे नहीं, वन का जो सी है वो आपने खुद करना है, सारे काम मैं करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, और फिर क्या फ़ायदा जीने का और क्या फ़ायदा पढ़ने का अगर आप इतने करने के बावजूद भी आप क्वेश्चन ना कर पाए तो। तो बस मैं एक ही काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट पर आता हूँ। इस बार अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट का, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, देखो ना क्या बता रहा है, पढ़ो जरा क्या बता रहा है आपका सेकंड के अंदर में। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, रेशियो 5:4:1 का, फाइंड आउट न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड गेनिंग रेशियो, अगर एक्स रिटायर हुआ, वाई रिटायर हुआ और तीसरा जेड रिटायर हुआ। तो मुझे मन तो नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को कराने का, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सी पार्ट करा देता हूँ जहाँ पर जेड का रिटायरमेंट हो रहा है, तो बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, बाकी आपने खुद करना है। पार्टनर्स के नाम हो गया एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो यहाँ पे, यहाँ भी 5/10 4/10 1/10, यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, उसमें सेम नहीं था और कुछ खास फर्क नहीं है। न्यू रेशियो मेरे बच्चे जेड का कहता है रिटायरमेंट हो गया और कुछ आगे रेशियो में चेंज नहीं बता रहा है, तो आप जानते तो इनके बीच का रेशियो 5:4 हो जाएगा। 5:4 का मतलब 5/9, अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, फिर से यहाँ पे 5/10 लिख देते हैं जो गलत है, अब 5:4 यानी कि 5/9 हो जाएगा और यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। तो बताओ जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आया मेरे बच्चे, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, माफ़ कीजिए क्या हो गया है, गेन की आज बात होगी ना, आज हम सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, आज तो बात गेन की होगी कि जो आपके एक्स वाई हैं उनका गेन कितना, मतलब न्यू माइनस ओल्ड अब कितना ले रहे हैं, पहले कितना लेते थे उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 5/9 अब ले रहे हो, 5/10 पहले था, तो गेन कितना निकल के आ गया। अगर मैं इसका 90 निकालूं मैं एलसीएम तो 10 5, ये आ गया बच्चे 5/90, हाँ यही निकल के आया ना। और इसका देखूं मैं यहाँ पे 4/9 माइनस 4/10 तो आपका ये आ गया 4/90। लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें ओल्ड रेशियो का तो ओल्ड रेशियो आपका हो गया 5:4:1, अगर हम बात करते हैं न्यू रेशियो का तो नया रेशियो हो गया 5:4, ये तो चला गया। और मज़े की बात है कि गेनिंग रेशियो भी क्या निकल के आ गया, 5:4 आपका हो गई बात यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल,
और हाँ, अगर आपको चेक करना है, अगर यहाँ भी आपको चेक करना है कि हमने सही किया कि गलत किया, तो बच्चे आपका लिखिए नोट नंबर वन, नोट नंबर वन लिखेंगे आपके यहाँ पे। नोट नंबर वन कहते हैं कि आपका टू चेक न्यू रेशियो, अगर आपको नया रेशियो चेक करना है तो कहते हैं कि सम टोटल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डेनोमिनेटर। जैसे नहीं चेक किया था वो आपका एडमिशन में, वही बात है यहाँ भी निकल के आ रही है कि अगर हमें चेक करना है कि नया रेशियो सही है तो जो न्यूमरेटर्स हैं अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये मस्ट बी इक्वल टू डेनोमिनेटर, तो 5+4 9 ही तो होता है। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आपको चेक करना है टू चेक गेनिंग रेशियो, अगर आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा गेनिंग रेशियो जो निकल के आया वो ठीक है, तो कहते हैं कि सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल टू इसमें इंक खत्म हो रहा है। बस मेरे पास मार्कर कई सारे हैं, मैं इसको यूज कर लूँगा, चिंता ना करो आप। सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेक्रीफाइस मेड बाय अदर पार्टनर्स। जितना आप गेन करोगे वो दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। सर यहां सेक्रीफाइस किसने किया? जेड ने। अरे समझो ना, इसका पहले आपका 110 था, अब इसका कुछ भी ना रहा, ये तो पूरा का पूरा, मतलब अगर हम देखें न्यू माइनस ओल्ड, अगर हम गेनिंग निकालते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड क्या हुआ जी, न्यू आपका 0, ओल्ड कितना था 1/10, तो क्या आ गया -1/10, ये इनका निगेटिव आ गया, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप दोनों का जो गेन होगा 5+4 9/90, यानी कि कितना आ गया 1/10, देखो इसके सेक्रीफाइस के बराबर है। हाँ अगर दुनिया वाले कह देते हैं कि भैया इन दोनों का जो गेन होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा, तो कह देना वो भी ठीक है, क्योंकि इसी यही तो अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वही तो गेन करोगे। मतलब अगर कह दिया जाए कि सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ आपका रिटायरिंग पार्टनर्स, तो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे डाला क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी जब रेशियो चेंज होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसमें से भी कोई गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता। मैं दिखाऊंगा ऐसे आपको, एडमिशन में भी मैंने आपको दिखाया था। खैर मैं अभी ज़्यादा उस पर आपको चर्चा नहीं करता, अभी तो हमने कहा कि जितना हम दोनों गेन करेंगे वो गेन इनके सेक्रीफाइस या इनके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, बस इतनी बातें करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे अब आपके साथ थोड़ा खेल खेलूँगा, शब्दों का मेरे बच्चे, लैंग्वेज का गेम खेलेंगे और हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लीजिए मैं इसको मिटाऊँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट का सी पार्ट करा दिया मैंने, ए बी पार्ट आपके लिए है, प्रैक्टिस करेंगे। और आप मुझसे फ़ोन करके इसका आंसर मत पूछना, सर क्यों, समझ गए आप रीजन, क्योंकि आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है वो सही किया है कि गलत किया है। आओ ना इन चीज़ों से हम आगे निकलते हैं और फिर आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एंट्री करते हैं। मेरी बात सुनो, लिखो मेरे साथ यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। सर हमें दो ना, सर हम करना चाहते हैं ना बच्चे ना, अभी मेरे अंदर में इतनी सारी आग है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं साथ साथ करूँगा, आप भी मेरे साथ साथ करो। हाँ एक काम ज़रूर करना कि एटलीस्ट 10 सेकंड मेरे पीछे रहना, मतलब आपका दिमाग मेरे साथ चले, मुझसे आगे ना चले, मुझे कुछ सिखाना है। अभी आपको छोटा बन के ही सीखना पड़ेगा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे दोबारा। आओ ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़ो जरा, इस बार आपको वो बताएगा, कुछ चेंजेस करेगा। कहता है ABC are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. B retire हो गया और कहता है his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. पहले आपको एक बात बताऊं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये रेशियो निकालना वो केस वाइज स्टडी करते हैं, इस केस में आएगा तो ऐसे करेंगे, उस केस में, आपको वो काम नहीं करना, वो गंदा काम होता है, वो कॉन्सेप्ट खराब कर देता है, वो आपको रटने पर मजबूर करता है। तो आप वो काम करने के बजाय आप लैंग्वेज को पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करो, काम खत्म करो, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गुजारना।
देखो यहाँ पे आपने लिखा मेरे साथ पार्टनर्स का नाम, ये रहा आपका पार्टनर्स, ये रहा आपका ओल्ड रेशियो, ये रहा आपका न्यू रेशियो, और मज़े की बात है कि यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो को निकाल रहे हैं। आप जानते हैं गेनिंग का मतलब न्यू माइनस ओल्ड। अगर आपको इसको याद करने की नौबत आ जाए ना तो फिर मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं मेरे बच्चे। आप हमेशा सोचना गेन तभी होगा जब अब हमें ज़्यादा मिल रहा, अब मतलब न्यू, तभी तो हम गेन कर रहे हैं। पहले भी 5 रोटी खाते थे, अभी भी 5 रोटी खा रहे तो फिर कैसा गेन हुआ? पहले 5 रोटी खाते थे, अब हम 4 रोटी खा रहे तो कैसा गेन हुआ? गेन तब हुआ अगर पहले 5 रोटी था, अब हमें 6 रोटी मिल रहा है, तब हम कहते हैं कि हमें गेन हुआ। गेन अब यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, समझो मेरी बात यहाँ पे। और हाँ, गेनिंग निकालते समय अगर मान लो कोई निगेटिव आ जाता है तो मेरे बच्चे हम उसको सेक्रीफाइस कहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने एडमिशन और आपका फंडामेंटल मतलब पहले बातें की हैं। सर बार बार पीछे की बातें क्यों याद दिलाते हो? क्योंकि मुझे संदेह है मेरे बच्चे, मुझे संदेह है, मुझे डाउट है कि कहीं ये बच्चे पीछे की बातें भूलते तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको, मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूँ, झकझोर रहा हूँ मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूँ कि ताकि आप पीछे की बातें प्रॉपर तरीके से टाइम टाइम पर रिविजन करें, और दूसरा मकसद कुछ नहीं है। चलो खैर, ए बी सी आर पार्टनर्स कहता है रेशियो 5:3:2 का है, मैं लिख दूँ यहाँ पर ए बी सी आर पार्टनर्स, तो नाम तो हो गया ए बी सी का। 5:3:2 मतलब पहले 5/10, यहाँ 3/10 और यहाँ पे 2/10, 5:3:2 हो गया। 10 में से पहले 5, 3 और 2 लेते थे। कहता कि बी का रिटायरमेंट हो गया, लो हमने बी को हटा दिया, नहीं रहा बी हमारे बीच में मेरे बच्चे, या तो रिटायर हो गया या फिर मर गया, दोनों में सेम ही चीज निकल के आएगा। तो बी का रिटायरमेंट हो गया। ध्यान से, हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। वो कहता है इस शेयर को, जितना बी का शेयर था इसको उन्होंने क्या क्या 2:1 में ले लिया। तो समझो ना मेरी बात को, बी जो हमारे बीच में था अब नहीं रहा, उसके शेयर को हम लोगों ने 2:1 में ले लिया। इसका मतलब कि जो हमारा पहले से था वो तो है ही, वो तो है, हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस शेयर को हमने आपस में 2:1 में ले लिया। ध्यान से मेरी बात, बी के शेयर को। तो मेरे बच्चे, मैं था, आप थे और वो था तीसरा आदमी। सर वो कौन है? छोड़ो ना, अनजान आदमी कोई है उसके। मैं 5 रोटी खाया करता था, आप भी 5 रोटी खाते थे, और वो जो आदमी है वो भी 5 रोटी खाया करता था, वो चला गया। और इस 5 रोटी को हम लोगों ने क्या किया? आपस में यहाँ पे मान लो 2:1 में डिवाइड कर लिया। समझो मेरी बात यहाँ पे। इसका मतलब कि जो हमें पहले मिलता था वो तो हमारे पास है ही, हमने इस 5 रोटी को 2:1 यानी कि 5 का 2/3 और 5 का 1/3 हमने ले लिया। दिस इज गेन, वो गेन बता रहा है मेरे बच्चे। वो कह रहा है कि हमने किस रेशियो में गेन किया है, मतलब इस 5 रोटी को जो वो आदमी छोड़ के चला गया, हमने 2:1 में इक्वली या 1:3 जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो कहता है गेन कैसे किया, मतलब ये रोटी हम लोगों ने आपस में कैसे डिवाइड किया। तो ध्यान देना, पहले तो इस रोटी को ले लो, जैसे 5 लिया था यहाँ पे, यानी कि इनका 3/10 और यहाँ भी 3/10। इस 3/10 यानी कि बी का जो शेयर है, हमने इसको आपस में 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3, समझ लो 2:1, तो 2+1 3 हो गया ना, तो 2/3 1/3, यानी कि 2/3 आपने गेन कर लिया, 1/3 आपने गेन कर लिया। आप समझो मेरी बात ना। तो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान सुनना फिर से एक बार क्वेश्चन को। ए बी सी और पार्टनर्स रेशियो 5:2, बी का रिटायरमेंट हुआ, हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। तो ठीक है, आपके शेयर को हम लोगों ने इस रेशियो में गेन कर लिया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया जी और, तो 6/30, और हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 3/30, ये हो गया मेरे बच्चे। तो ये ओल्ड है और ये गेन है। तो समझो ना मेरी बात कि ए का फिर न्यू कितना होगा, ए का फिर न्यू कितना होगा। तो हमने कहा कि देखो जी, जो पहले आप लिया करते थे 5/10, एक तो वो रह गया, मतलब 5 रोटी पहले से हमारे पास था, और जो रोटी हमने गेन किया, दोनों को ऐड करो, वही तो हमारा न्यू बनेगा मेरे बच्चे। समझो, इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में फॉर्मूला में दिखा दूंगा। देखो जरा यहाँ पे क्या, तो आपका 5/10 पहले से था, प्लस आपने 6/30 और गेन कर लिया बी के जाने से, और आपका पहले से 2/10 था
और आपने क्या किया जी, 3/30 और गेन कर लिया, 3/30 मतलब बी का शेयर जो था उसका इतना आपने लिया, तो बताओ हमारा न्यू कितना रहा। तो 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 3 15 और ये 21/30 आ गया। यहाँ पे आपका 10 3 3 2 6 3 9 आपका हो गया मेरे बच्चे, ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया, न्यू रेशियो। पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि चेक करते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। तो न्यू रेशियो जो आपका निकल के आया है इट्स 21:9, और एक बार चेक करते हैं गलत तो नहीं है। तो 21 + 9 30 के बराबर हो गया, मतलब बिल्कुल हमने सही काम किया है ना। न्यू रेशियो कैसे चेक करते हैं, न्यूमरेटर का टोटल डेनोमिनेटर के बराबर होगा, यानी कि ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, हमने लिख दिया और 3 के टेबल में लेकर आओ, 3 7 जा एंड 3 3 जा, तो 7:3 का रेशियो हो गया। और अगर हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का, तो मेरे बच्चे गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 6:3। आप 6:3 कह दो या कह दो क्या, सिंप्लीफाई किया तो 2:1, और ऐसे भी क्वेश्चन ने कहा तो था कि हमने उसके शेयर को 2:1 में गेन कर लिया, तो वही रेशियो गेनिंग आपका है। देखो आपका निकल क्या है। सर इस पर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने कहा था कि न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा तब जब पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया रहे और सिर्फ ये बताया कि कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, आगे कैसे गेन करोगे, आगे का न्यू रेशियो क्या होगा, अगर ये बातें बता देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर चेंज होगा, क्योंकि कुछ अलग तरीके से गेन हुआ होगा। आप समझो मेरी बात ना, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें पढ़ने पढ़ाने को नहीं है। और हाँ, अगर हमें चेक करना है कि हमने गेनिंग रेशियो सही निकाला है, तो 6:30 और 3:30 कितना हो गया, 9/30 कितना हो गया जी, इसको हमने किया तो 9/30 को अगर हमने सिंप्लीफाई किया, 3 से काटूं तो 3 3 जा 3 10 जा 3 बाई 10, ये 3/10 देखो इसके शेयर के बराबर आ गया, मतलब जो आप गेन कर रहे हो इसी को तो गेन कर रहे हो, तो 100% श्योर है कि जितना आप गेन करोगे उतना ही इसका शेयर दिखेगा। लेकिन सर आपने निकाला था गेनिंग जो होगा वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा, तो क्या झगड़ा करना, अरे सैक्रिफाइस यही तो कर रहा है, और सैक्रिफाइस कर कितना रहा है, तो -3/10, मतलब ये जब हम गेन निकाल रहे हैं और निगेटिव तो फिर क्या करेंगे, हमारा सैक्रिफाइस ही तो आएगा, तो ये आपका निकल के आया सैक्रिफाइस आपका। अब चेक कर लो आप यहाँ पे कि जितना गेन उतना सैक्रिफाइस, मीनिंग सेम निकल के आएगा। सर एग्जाम में इसको लिखना है मत लिखो या लिखो आपकी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग तो सेम है ना, समझाने का तरीका आपका है, जैसे कर लें आप। तो ये हमने क्या किया, आपको यहाँ पे समझा दिया न्यू रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, और ये बातें खत्म हो गई। सर और भी बहुत सारे, मैंने कहा ना जितने एग्जामिनर सोच सकता है क्वेश्चन का पैटर्न वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, आप चिंता ना करो। आप जरा आ जाओ मेरे बुकलेट के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, और देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड के अंदर में, थर्ड क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे। आपके जो TS ग्रिवाल जी हैं और कहीं कहीं पे DK गोयल जी हैं, कुछ और भी बुक्स हैं, उनके जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बावजूद भी जो और क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कुछ हम लोग क्लास में कवर कर रहे हैं। तो बस क्लास पे विश्वास कीजिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, कुछ भी नया आपको निकल के नहीं आएगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इस बार सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे फिर से मेरा वही फॉर्मेट है। सर ये फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं बच्चे ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत दूर से इस फॉर्मेट को आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप लिखो ना पार्टनर्स के नाम, ओल्ड न्यू और आपका यहाँ पे गेनिंग। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ABC कहता है इस पर पार्टनर से, लिख दो यहाँ पे ABNC, हमेशा बीच में थोड़ा गैप छोड़ते हैं, ABC पार्टनर से कहता है कि रेशियो इनका 2:2:1 का है, यानी कि 2:1 का मतलब हो गया 2/5 एंड यहाँ पे 1/5, दिस इज 2:1। वो कह रहा है क्वेश्चन में आगे पढ़ना, बी रिटायर्स, मेरे बच्चे बी का रिटायरमेंट हो गया, लो हमने बी को हटा दिया नए बिजनेस में से, और कहता इस पर ध्यान से पढ़ना, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। ओहो ये क्या हुआ, बी का रिटायरमेंट हो गया और बी का जो शेयर है ना इस बार क्या हुआ, सारा का सारा पूरा का पूरा शेयर सी ने ले लिया। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये 2/5 सारा का सारा गेन किसने कर लिया, इन्होंने गेन कर लिया। ये ओल्ड रेशियो था, न्यू की बात अभी हम करेंगे, गेन बता रहा है, इन्होंने कुछ भी गेन नहीं किया,
कुछ भी कह नहीं, पांच रोटी मेरे पास थी, पांच रोटी आपके पास, और वो जो यहाँ पे खड़ा है उसका पांच रोटी था, ये चला गया मेरे बच्चे और ये सारा रोटी आप खा गए, मतलब आपको मिल गया, तो गेन आपने कर लिया, जितना उसका शेयर है आपने लिया, मुझे थोड़े कुछ मिला है, तो मैंने तो कुछ गेन किया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम न्यू रेशियो निकाले तो जरा बताओ ए का नया रेशियो क्या बनेगा। सर 2/5 पहले से था, कुछ गेन आपने किया नहीं तो अभी भी 2/5 ही तो रहेगा। कॉमन सेंस से पांच रोटी मेरे पास था, मुझे आपने इसमें से कुछ दिया तो मेरे पास पांच ही रोटी तो रहेगा, ये तो बदमाश चला ही गया। जरा सी का देखूं, 1/5 पहले से था, इसने 2/5 यानी कि बी का सारा शेयर गेन कर लिया, तो ये कितना हो गया 3/5। और सुनो मेरी बात, अगर कोई कहे कि बताओ न्यू रेशियो आपका क्या है, नया रेशियो, तो क्या बोलूंगा, 2:3 आपका, 2:3। कोई बोले कि जरा बताओ गेनिंग रेशियो आपका क्या है, तो मैंने तो कुछ गेन किया ही नहीं, सारा का सारा गेन इसने कर लिया, तो रेशियो क्या मतलब, सब कुछ सारा का सारा आपने गेन किया, सब आपका ही हो गया। रेशियो एक में थोड़े होता है, रेशियो दो में बनता है, तो छोड़ दो, आप कहना कि सब गेन आपने कर लिया, न्यू रेशियो 2:3 का हो गया। बात समझ में आ रही है। और हाँ, बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, देख रहे हो, ये तो सब कुछ छोड़कर चला गया ना, अगर निकालू तो क्या जाएगा, -2/5, मतलब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप यहाँ पे गेन कर रहे हैं, हो गई बात। यहाँ पे हमने कहा ना, हम लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अब माफ़ कीजिए, लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम रटेफिकेशन पे विश्वास नहीं करेंगे। सर कुछ मस्त क्वेश्चन कराओ ना सर, आप ना आज बोर कर रहे हो और कुछ भी नहीं, तो मैं काम करता हूँ, मैं फिर पाँचवा क्वेश्चन कराता हूँ, ना सर ना चौथा क्वेश्चन कराओ ना, नहीं बचे, अभी चौथे क्वेश्चन की बारी नहीं आई है, अभी हम पहले पांचवा क्वेश्चन करेंगे फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, और चिंता ना करो फोर्थ क्वेश्चन आज ही कराऊंगा मैं, आज ही कराऊंगा, आप जरा आ जाओ पहले मेरे साथ यहाँ पे, पहले फिफ्थ क्वेश्चन पे, मैंने पहले पांचवा क्वेश्चन आपको कराना है, मैंने कुछ तय किया है, दूरी तय करने का तरीका, वही काम करो मेरे बच्चे। आई पाँचवा क्वेश्चन, देखो ना क्या बता रहा है, ABC आर पार्टनर, सर हमेशा ABC ही क्यों होते सर, और नाम क्यों नहीं लेके आते, मेरे बच्चे लिख सकते हो एग्जाम में, राम श्याम मोहन भी हो सकता है, वो टोनी कोनी पोनी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट आप क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो, नाम पे आप ना पढ़ो, पांचवा क्वेश्चन पढ़ो आप। तो पांचवे में पहले मैं फॉर्मेट अपना रेडी करूं, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे हैं, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, और हाँ हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो आपका देखेंगे। गेनिंग रेशियो आप जानते हो, गेनिंग का मतलब न्यू माइनस ओल्ड होता है, अगर हमें गेनिंग निकालना पड़ जाए तो नए में से ओल्ड को माइनस करके निकालते हैं। खैर आइए चौथा पांचवा क्वेश्चन, पार्टनर्स कहता है कि ABC है, लिख दिया हमने ABC, रेशियो कहता है यहाँ पे, रेशियो 1/2, 3/10, 1/5, ओहो मैं अलग से लिखूँ पहले, आप भी कभी एग्जाम में ऐसा है तो अलग से करना, 1/2, फिर क्या बता रहा है, 3/10, 1/2, 3/10 एंड 1/5, यही है ना सर। हाँ आप एक काम करना, हमेशा अच्छा होता है, एडवाइजेबल होता है कि जब भी रेशियो दे और डिनोमिनेटर सेम ना करे तो सबको 10 में मतलब कि डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लो, तो मुझे इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितना नीचे उतना ऊपर से ही करते हैं ताकि आपका इक्वलाइज हो जाए, यानी कि 5/10 हो गया, ये 3/10 हो गया और ये 2/10 हो गया, रेशियो 5/3/2 का हो गया। तो मेरे बच्चे 5/3/2 का मतलब ए का हो गया 5/10, इनका 3/10 और यहाँ पे आपका 2/10, 5/3/2 का रेशियो हो गया। दिस इज आर ओल्ड रेशियो गिवन इन क्वेश्चन आपका, आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो ना, वो क्या बोलता है, कहता है कि आपका बी रिटायर्स, लो मैं न्यू में से बी को काट देता हूँ, बी रिटायर हो गया, और मेरे बच्चे कहता है आगे पढ़ना, बी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म एंड ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने को है, कितने साफ साफ शब्दों में कहता है कि बी का रिटायरमेंट हो गया और ए एंड सी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा वो उनका 3:2 के रेशियो में होगा। फ्यूचर प्रॉफिट मेरे बच्चे, इस पर गेन नहीं बता रहा है, वो फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि न्यू रेशियो बता रहा है, और नया रेशियो कहता है कि 3:2 यानी कि अब क्या होगा, 3:2 यानी कि 3/5
एंड 2/5। इसने न्यू रेशियो बता दिया मेरे बच्चे, फ्यूचर रेशियो का मतलब न्यू रेशियो 3:2, 3/5, 2/5 वो आपको बता दिया। तो आओ ना एक बार देखें कि अगर ये हमारा न्यू रेशियो है तो फिर गेनिंग क्या निकल के आता है। आप जानते हैं गेनिंग का मतलब न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो 3/5 और यहाँ पे 5/10 आपका, ये कितना आ जाएगा 10, 5 2 6, 1/10 निकल के आ गया। ये तो चला गया, मतलब ही इज सेक्रीफाइसिंग, इज नॉट गेनिंग। इनका चेक कर लेते हैं, 2/5 - 2/10, तो आपका 10 और ये आ गया 5 2 2 2 4 4 - 2, यानी कि 2/10 आपका। इसका मतलब कि हमारा जो गेनिंग रेशियो निकल के आया आपका मेरे बच्चे, गेनिंग रेशियो जो आपका निकल के आ गया वो 1:2 आ गया, 1:2। और आओ चेक करते हैं हमने सही काम किया है। तो न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, वो तो सही हो गया, 5:5 बराबर। आप चेक करो इनका गेन, इनका गेन 1/10 2/10, यानी कि 3/10 इसके शेयर यानी कि इसके सेक्रीफाइस के बराबर है। बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, छठा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। छठा आपके लिए है कि एबीसी और पार्टनर्स रेशियो 2:1 का है, सी का रिटायरमेंट हो गया, ए सी कहते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो 2:1 होगा, तो बोलता हो गेनिंग क्या होगा, ओल्ड बता दिया, न्यू बता दिया, गेनिंग निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर, इसका आंसर आपने क्यों नहीं दिया, नहीं दूंगा मेरे बच्चे, मुझे चाहिए आपका आत्मविश्वास जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बढ़े। तो आप खुद चेक कर लेना, चेक करने का तरीका बताया है मैंने कि जितना गेन पार्टनर्स करेंगे वो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के बराबर होना चाहिए, आप खुद कर लेना। हाँ, एक 7 क्वेश्चन कराता हूँ, और मुझे इस क्वेश्चन में कराते समय ना हंसी आएगी। सर हंसने की बात इसमें क्या है, क्योंकि मैं नहीं हंस रहा मेरे बच्चे, एग्जामिनर ऐसे ऐसी चीज़ें एग्जाम में देता है और आप वहाँ पर ना जानबूझ के गलतियाँ करके आते हैं। मतलब मुझे हैरानी हो जाती है जब आपकी कॉपी को चेक किया जाए ना एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे सिले सिले मिस्टेक्स करते हैं हर एक चीज़ जानते हुए भी कि मैं क्या बताऊं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 7th में आपको दिलाता हूं। 7th क्वेश्चन 6th आपका होमवर्क हो गया, मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूं मेरे बच्चे 7th का। जरा सुनो और देखो 7th क्वेश्चन क्या बताता है, सुनिए मेरी बात। कहता है कि ABC आर पार्टनर्स, मिला आपको सर, हाँ सर, ABC आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 1,75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। 1,00,000 कैपिटल है 75,000 का एंड 50,000 का। ऑन सीज रिटायरमेंट कहता है हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। बोलता बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। मैं जानता हूं कि आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अरे एक बार ध्यान से मेरे साथ देखो ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बस मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। बताओ जरा बताओ 7 क्वेश्चन के अंदर में आपका ABC का ओल्ड रेशियो क्या है, बताओ जरा क्या है। सर वो तो नहीं बता रहा है, लेकिन कैपिटल तो बता रहा है 1,75,000 आपका, बता रहा ना बच्चे। सर हाँ, तो रेशियो क्या बन गया, सर 1,75,000 यानी कि 4:3:2। आप इतने बदमाश हो, इतने गंदे बच्चे, कि आपको अगर आप दिया लेके घूमोगे ना, चिराग जिसको बोलते हैं रोड पे, कि आपके जैसा कोई दिख जाए तो नहीं दिखाई देगा। अरे कैपिटल से रेशियो का क्या मतलब है बदमाश, आप शायद भूल गए। हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं बताता कि हमारे बीच में क्या है, तो हम इक्वली एज्यूम करते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस। अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच में नहीं है, अगर प्रॉफिट रेशियो ना बताए, तो वी ऑलवेज एज्यूम इट्स इक्वल। नहीं बताया था मैंने सर। हाँ, तो फिर सर ये कैपिटल क्यों दिया है, अरे आपको बेवकूफ बनाने के लिए। वो जानता है कि आप इतने गंदे बच्चे हो ना, इतने गंदे बच्चे हो कि आप उसकी बातों में फंस जाओगे, गलतियां करोगे, और एग्जामिनर को एग्जाम में जब कॉपी आपका चेक करेगा तो उसको हंसने का मौका मिलेगा आपके ऊपर में। लेकिन उसको नहीं पता ये बच्चे अलग हैं। वो आम बच्चा आपको समझ रहा है मेरे बच्चे, वो आम बच्चा आप थोड़े ही हो। अरे क्वेश्चन में रेशियो ना बताया, 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो रेशियो मेरे बच्चे इक्वल हो गया 1/3 1/3 1/3। आप इस बात को जानते हैं, उस कैपिटल का कोई मतलब नहीं बनता। अब कहता है कि भैया सी का तो रिटायरमेंट हो गया, हटा दो सी को। और कहता है कि सी का जो शेयर है वो AB ने क्या क्या एक्वायर किया है 6:4 के रेशियो में। तो ठीक है,
ए बी ने एक्वायर किया 6:4, इसका शेयर कितना था 1/3, इस शेयर को उन्होंने 6:4 में लिया, इस शेयर को, मतलब दिस इज गेन। आपका जो 1/3 है ना, 1/3 इसका आप क्या करो जी, 6:4 यानी कि 6/10 आप ले रहे हो, और इस 1/3 का आप कितना ले रहे हो, 4/10 आपका। ये बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एडमिशन के टाइम पे समझाया है, तो कोई खास दिक्कत तो मेरे हिसाब से आपको नहीं आना चाहिए, फिर भी आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 6/10 4/10 आपका हो गया, यानी कि मेरे बच्चे यहाँ पे इनका गेन हो गया 6/30 और इनका हो गया 4/30, है ना। अगर हम चेक करें कहीं गलत काम तो नहीं किया, तो 6/30 4/30 ऐड करोगे तो 1/3 के बराबर आ जाएगा, मतलब इनका कह दो या तो ओल्ड या फिर सेक्रीफाइस। हाँ, अब हमें न्यू निकालना है, तो न्यू में जितना पहले आपको मिला करता था, ये सिंपल क्वेश्चन अभी हमने किया था, प्लस आपका 6/30, तो 30 हो गया, ये आपका 16/30 आ गया। इनका 1/3 प्लस आपका 4/30 यानी कि 30 आ गया, तो ये आपका 14/30। इसका मतलब कि अगर हम न्यू रेशियो निकालते हैं, नया रेशियो, तो इट्स 16:14 और हम कह सकते हैं 8:7 अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो, अदरवाइज वो भी ठीक है। और गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो गया जी, 6:4। आप 6:4 कह दो या फिर अगर 2 से काटो तो 3:2 कह दो, आपकी मर्जी है, ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ पूरे मार्क्स मिलेंगे, खत्म होगी बात। मुझे आज की क्लास तो बहुत बोरिंग लग रही है कसम से, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कराऊं तो क्या कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कराऊं तो क्या कराऊं। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक काम करता हूं, 9th क्वेश्चन करा देता हूं, सर 8 छोड़ दो अभी, देखेंगे बाद में, पहले 9th क्वेश्चन पे आइए, 9th, उसके बाद मैं 4th करा के इस टॉपिक को एंड करूंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे समझने समझाने के लिए। आप भी देख रहे हो, 1 घंटे से हम लोग क्लास लेके चल रहे हैं, बट वी आर गेटिंग नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं निकल के आ रहा आपको यहाँ पे। तो आप आइए जरा मेरे साथ यहाँ पे, हम क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिखाएं, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9th का, पढ़ो ना क्या बता रहा है, पढ़ो ना जरा 9th में क्या बता रहा है। 9th पढ़ेंगे, 9th, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, वाई रिटायर्स एंड सरेंडर्ड, ध्यान से, 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, और रिमेनिंग कहता है इन फेवर ऑफ आपका एक्स। कुछ गलत हुआ, मैं दोबारा इसे सही कर लूँ, मेरे इसमें मिस्टेक है मेरे बच्चे, तो आपके पास जो बुक जाएगी इट विल बी 100% करेक्ट, चिंता ना करें। एक्स वाई जेड पार्टनर्स रेशियो 4:3:2, वाई का रिटायरमेंट हुआ, कहता है कि सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, यहाँ पे जेड है, एक्स है, ठीक है, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड, एंड रिमेनिंग फेवर, इसको मैं यहाँ से, हाँ जी ये हो गया हमारा, एंड रिमेनिंग फेवर ऑफ जेड आपका। तो बोलता है कि जरा बताओ न्यू रेशियो एंड आपका यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को देख ले हम लोग एक बार क्या निकल के आता है। तो हमने यहाँ पे 9th क्वेश्चन में पहले पार्टनर्स का नाम लिखे हम लोग, यहाँ पे पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। जरा बताओ इस क्वेश्चन में 9th में पार्टनर्स के क्या क्या नाम है, सर एक्स वाई जेड लिखो ना यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड आपका। अच्छा बताओ ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर 4:3:2 यानी कि 4/9, 3/9 और यहाँ पे 2/9 आपका, दिस इज ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे, ये ओल्ड रेशियो आपका हो गया। आप मुझे बताओ यहाँ पे वाई का रिटायरमेंट हो गया, मैं काम करता हूँ बिजनेस से वाई को यानी कि इसको हटा देता हूँ, कहता है कि वाई का रिटायरमेंट हुआ। अब ध्यान से पढ़ना मेरी बात को, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई रिटायर्स एंड सरेंडर्स, मतलब वाई ने सरेंडर कर दिया, दे दिया, वाई ने दे दिया 1/9 ऑफ हिज शेयर, वाई ने अपने शेयर का 1/9, वाई का शेयर कितना, ये पर बच्चे इसका 1/9 जो है ना वो किसको दे दिया उसने, एक्स को। तो जरा बताओ इसका यानी कि 3/9 का 1/9 इसने इसको दे दिया, दोबारा पढ़ो लैंग्वेज में जोड़ देना, कहता है कि वाई का रिटायरमेंट हुआ एंड सरेंडर, मतलब उसने दे दिया, वाई ने दे दिया 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, वाई ने क्या किया अपने शेयर का यानी कि इसका 1/9 किसको दे दिया जी, एक्स को दे दिया। तो जरा बताओ एक्स ने कितना गेन किया, ये आ गया 3/9
81 आपका, ठीक है ना। तो चलो बताओ, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा अब यहाँ पे, ऐसे में वहां भी कर सकता था। अगर मैं इसको एग्जामिनर को ठीक से समझाऊं तो गेन, गेन ऑफ अगर हम बात करें एक्स, तो कितना हो गया जी 3/9, यानी कि जितना आपका शेयर था उसका 1/9, ये कितना आ गया आपका 3/81। तो चलो बताओ एक्स ने इतना गेन किया तो गेन ऑफ आपका जेड कितना होगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अगर मान लो वाई को पहले 5 रोटी मिलता था और 5 में मान लो 2 रोटी इनको मिल गया तो फिर जेड को कितना मिलेगा, 3 रोटी। समझ रहे हैं? मैं ऐसे समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर 5 रोटी आपके पास टोटल था और 5 में से अगर 2 रोटी इसने गेन किया तो इसने 3 गेन किया। मतलब इसका गेन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो टोटल रोटी है यानी कि वाई का 3/9, इसमें से आपने कितना दे दिया जी उसको 3/81। जितना आप, ये 5 रोटी है, 2 को हटाओ तो 3 बच जाएगा ना। उसी तरीके से हमने क्या किया कि जितना शेयर वाई का था उसमें से आपने गेन हटा दिया किसका जी, एक्स का, तो जो बच जाएगा वो आपका जेड का गेन हो जाएगा। बताओ कितना, 81। ये 27 हो गया माइनस 3, 24 मेरे बच्चे, इतना आपका गेन आ गया। यानी कि जो गेन जेड का निकाला जाएगा इट्स 24/81। समझ लो कैसे निकल के आया, वाई का जितना शेयर था 3/9, इसका 1/9 आपने ले लिया जी, तो 3/9 का जो बाकी बच जाएगा, बाकी आपका क्या हुआ जी, वो बाकी कैसे निकल के आएगा, तो जितना आपका था, जितना आपका था उसमें से इतना किसने ले लिया, एक्स ने, तो बाकी माइनस करके जेड का निकल के आ जाएगा 24/81 लिख दिया हमने यहाँ पे। और अगर आप न्यू पता करना चाहते हैं तो 4/9 जितना पहले लिया करते थे प्लस 3/81 आपका, और आप पहले जितना लेते थे 2/9 प्लस आपने 24/81। तो जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, इट्स 81, 36, ये हो गया 39/81, ठीक है ना। और इसका कितना आ गया जी 81, तो आपका 42/81 आपका, ठीक है। अगर हम न्यू रेशियो देखें यहाँ पे, न्यू रेशियो, तो नया रेशियो क्या बन गया 39:42। और अगर हम चाहें इसको सिंप्लीफाई करना तो 3 से आप हटा सकते हैं, 13:14। समझ लो, 3 से इसको भी काट दिया, 3 से इसको भी काट दिया, और आपका गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ गया, गेनिंग रेशियो तो इट्स 3:24। आप ये कह दो, और या कह दो आप अगर 3 से काटो तो 1:8, तो आपकी मर्जी है, कैसे निकालो सेम निकल के आएगा। इसके और भी हजारों तरीके होते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम करता हूँ, क्योंकि आज की क्लास मुझे भी पता है आपको भी पता है बकवास सी हो रही है, तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे रिटायरमेंट और एडमिशन की बातों को इकट्ठा कर लूँ। मेरे बच्चे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है जहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाए उसमें रिटायरमेंट भी हो रहा है और फिर आपका एडमिशन भी हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, जरा उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये मोर देन एनफ है मेरे बच्चे, इसके सिवा कुछ नहीं बनता है, कुछ बनेगा तो पहले मेरे दिमाग में आएगा, बस आप इस बात को समझना। जरा आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप 4th पे आप आइए, जो हमने पहले छोड़ा था उसको हम आगे बढ़ाएं, सॉल्यूशन कर रहे हैं 4th का। पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बता रहा है, 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ पे, 4th क्वेश्चन, 4th पढ़ रहे हैं। ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो, ये 5:3:2 हो जाएगा, आप कर लेना, मैंने समझा दिया है ये 5:3:2 है। बी रिटायर्स, बी का रिटायरमेंट हुआ और हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। फिर कहता है इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए, रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। कैलकुलेट आपका कहता है प्रॉफिट रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन। सर ये क्या है, एक काम करते हैं, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को पहले 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मैं बात पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, क्योंकि रिटायरमेंट का हो रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँगा ऑन रिटायरमेंट, मैं अभी एडमिशन की बात नहीं करूँगा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी। आप जो बी का रिटायरमेंट कर रहे हैं हम उस रेशियो को देख रहे हैं। दोबारा पढ़ लो, ABC आर पार्टनरशिप इन रेशियो 5:3:2 का, बी रिटायर किया
और उसके शेयर को ए सी ने 2:1 में ले लिया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बी के रिटायरमेंट पे, क्योंकि देन इमिडिएटली मतलब उसके बाद हो रहा है, तो हम उसके बाद की बात नहीं करेंगे, अभी बस बी के रिटायरमेंट पे करेंगे। और आओ ना लिखो मेरे साथ यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, और यहाँ पे रिटायरमेंट यानी कि हम यहाँ लिख देंगे गेनिंग रेशियो। एग्जाम में जो चीज़ें बोले वो भी निकाल देंगे, जो ना बोले वो भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। चलो बताओ ओल्ड रेशियो क्या था इनका, सर 5:3:2 का, अभी आपने कहा था 5/10, 3/10 एंड यहाँ रहा 2/10, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया मेरे बच्चे। न्यू रेशियो में जब आप आएंगे, न्यू रेशियो के अंदर में आपका तो कहता है यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन था, इट वॉज 4 ना, हाँ जी, कहता कि बी का रिटायरमेंट हो गया, लो हमने न्यू में से बी को हटा दिया, बी हट गया, और फिर कहता है कि इसके शेयर को, हिज शेयर, बी का शेयर जो है वो ए एंड सी ने 2:1 में ले लिया। मेरे बच्चे बी का शेयर मतलब इसको इन्होंने 2:1 में लिया, तो 3/10 का 2/3, 2:1 यानी कि 2/3, देख रहे हो 2:1, तो 2/3 आपका आ गया, और इन्होंने कितना गेन किया जी, 3/10 का 1/3, यानी कि आपने इतना गेन किया, तो बताओ कितना गेन आ गया, 6/30, और ये आ गया 3/30, यानी कि अगर मैं न्यू रेशियो निकालूं तो जितना पहले आपको मिला करता था 5/10 प्लस जितना आपने गेन किया यानी कि 6/30, तो ये 30 हो गया, 3/5 21/30 आ गया, और ये 2/10 प्लस आपका 3/30 है, तो ये 30 यानी कि 9/30 आ गया। इसका मतलब है कि जो आपका न्यू रेशियो निकल के आपका आया है, न्यू रेशियो वो 21:9 निकल के आ गया, दिस इज न्यू रेशियो, समझे मेरी बात, न्यू रेशियो आपका 21:9 निकल के आ गया। और गेनिंग रेशियो आपका अगर हम बात करें तो क्या निकल के आ गया जी, गेनिंग रेशियो यहाँ पे 6:3 कह दो या 2:1 आपकी मर्जी, मीनिंग सेम आपका है। लेकिन मेरे बच्चे क्वेश्चन अभी यहाँ पे रुक नहीं रहा, अभी तो रिटायरमेंट हुआ, अब हम एडमिशन की बात करेंगे। अब कहता है कि इमिडिएटली डी को एडमिट किया गया, हमेशा जब दो चीज़ें क्लब करेगा तो क्वेश्चन को दो पार्ट में कर दो, रिटायरमेंट की बात खत्म, अब हम बात करेंगे एडमिशन की, यानी कि अब लिखिए मेरे साथ, यहाँ लिख दूँ मैं पहले छोटा सा, ये 6/30 था और ये कितना था 3/30, अब लिखो यहाँ पे ऑन एडमिशन ऑफ डी, डी के एडमिशन पे क्या हुआ। मेरे बच्चे डी के जब एडमिशन की बात उठेगी ना, तो मैं आपको बता दूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, अब यहाँ पे जगह पूरा आपके लिए मिल जाए। तो अब जब डी का एडमिशन होगा तो मैं क्या करूँगा, फिर से लिखूँगा यहाँ पे पार्टनर, इसमें क्लब नहीं करूँगा, ये काम हो चुका, पार्टनर्स, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और जब एडमिशन होता है तो आप जानते हैं कि सेक्रीफाइस होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे ए है, बी तो चला गया, सी रहा, और फिर आपका डी रहा, ए सी डी, मेरे बच्चे वो बी चला गया आपके पास से, रिटायर हो चुका है, तो ए सी पहले से बच गए थे, नया पार्टनर डी आया यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये रिटायरमेंट के टाइम पे जो न्यू रेशियो था ना, अब वो यहाँ पे ओल्ड रेशियो बन जाएगा, समझो मेरी बात, जब बी चला गया तो इसके बाद नया रेशियो ये बन गया था, तो डी के लिए तो यही रेशियो ओल्ड माना जाएगा ना बच्चे, यानी कि ये हो गया 21/30, ये 21/30 आपका है, और आपका कितना है सी का 9/30, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे 3 से डिवाइड करके, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा ओल्ड रेशियो यहाँ पर निकल के आ गया, ओल्ड रेशियो। अब पढ़ो ना, जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में आपका और क्या बता रहा है, कहता कि डी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए, लीजिए नए में कहता है कि इसका जो शेयर होगा वो 1/4 होगा, 1/4 होगा, अब ये 1/4 कहाँ से आएगा, तो मेरे बच्चे साफ साफ शब्दों में कहा है हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए, मतलब इस 1/4 का आधा, जरा देखो यहाँ पे, इसका आधा ए देगा, मतलब सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफाइस मेड बाई ए कितना बोल रहा जी, कहता है कि इसका आधा मतलब जितना डी को मिलना है इसका हाफ यानी कि 1/8 कौन देगा, ये ए देगा, मतलब इसका ये हुआ मेरे बच्चे कि जो ए का सेक्रीफाइस है एक तो 1/8 हो गया,
कुछ नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज पर जोर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो जल्दी से एडमिशन के टाइम पे जितने केसेज मैंने आपको कराए हैं उस सारे केस को दोबारा देखिए, क्योंकि वहाँ भी मैंने आपको कोई रटाफिकेशन नहीं कराया था, मैंने सिर्फ लैंग्वेज पर जोर देने के लिए कहा था। ये साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन कह रहा है कि डी जिसका 1/4 शेयर है, डी जिसका 1/4 शेयर है, इस 1/4 का हाफ जो है वो कौन दे रहा है, आपका ए दे रहा है 1/4 का हाफ। तो ठीक है जी, जितना आपका शेयर है उसका हाफ यानी कि आधा 1/2 किसने दे दिया, ए ने दे दिया। तो जरा बताओ अगर सेक्रीफाइस मेड बाय ए है तो रिमेनिंग आपका कितना बच गया, इतना अगर ए ने दे दिया तो रिमेनिंग शेयर जो बच गया आपका ऑफ डी कितना बच गया, तो सर इसका 1/4 था, 1/4 में 1/8 तो ए ने दे दिया तो रिमेनिंग कितना बच गया 1/8। समझ लो जितना शेयर आपका डी का था उसमें से 1/8 तो ए ने दे दिया तो बाकी और कितना बच गया 1/8, मतलब टोटल में से हमने जो डी दिया उसको, ए जो दिया उसको हटा दिया, बच गया 1/8। पढ़ो ना अब क्या बता रहा है। अरे ये क्या, ये क्या कहता है कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और सी से वो इक्वली ले रहा है, रिमेनिंग जो शेयर है वो ए सी से कहता है इक्वली ले रहा है, मतलब ये जो रिमेनिंग है इसको भी क्या हो रहा है ए और सी दे रहे हैं इक्वली। लैंग्वेज पर जोड़ दो, इस 1/8 को दोबारा, ये जो 1/8 आपका है दोबारा इक्वली वो वन ए सी से ले रहा है, इक्वली मतलब इसका हाफ और इसका हाफ आपका, तो इसने ए ने और कितना दिया 1/16 इसका आधा, आपने कितना दिया 1/16 आपका। समझ लो, ये मुझे तो लगा था कि कहेगा कि भैया ए ने आधा दिया तो बाकी डी बाकी कौन दे देगा जी, सी दे देगा, बोलता कि ना 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 ना, ए ने जितना सेक्रीफाइस किया उसके बाद जो बच गया डी का शेयर वो भी फिर से आधा आधा ए और सी देंगे। सर ऐसा क्यों होता है, बोले बच्चे लैंग्वेज है कुछ भी बोल सकता है, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है, बस जो बोलना वो कर लो। तो ए का सेक्रीफाइस फिर से और आ गया, ये प्लस और कितना जी 1/16, और सी का सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/16। सर एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दो, वर्किंग है कैसे भी दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए और ये तो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। तो यानी कि इनका सेक्रीफाइस कितना हो गया, ये आ गया 3/16 और आपका कितना जी 1/16, तो यही रह गया। अब न्यू कितना होगा, तो आओ ए का पहले शेयर था 21/30, ये पहले से था, इसमें से आपने सेक्रीफाइस कर दिया 3/16, तो फिर न्यू जो बचेगा माइनस करके, है ना, सेक्रीफाइस है रट नहीं रहे, और आपका शेयर पहले से था 9/30, आपने 1/16 सेक्रीफाइस कर दिया तो आपका कितना बच गया वो देख लो। देखो ना यहाँ पे 30 और 16 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कौन इतना टेंशन लेगा, जब भी मुझे टेंशन होता है ना तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेता हूँ, 30 × 16 जो होगा उससे देख लेंगे, 480 का अमाउंट आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, पहले इसका निकालो तो 16 × 21 336 हो गया माइनस 90 आपका यहाँ पे, तो ये आ गया 246, ये 246 आ गया यहाँ पे मेरे बच्चे, 480 आपका ये हो गया 16 × 9, ये आ गया 144 माइनस आपका 30, तो ये आ गया 114 आपका, यानी कि हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आ गया, न्यू रेशियो ये नया रेशियो बन गया आपका 246 × 114, चेक कर लो दोनों मिला के आपका 480 होना चाहिए जो हो रहा है, और अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो आपका रेशियो बन गया 3:1 का। क्वेश्चन खत्म हो गया, इट्स वेरी सिंपल, ऐसे आप चिंता नहीं करना, ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और आगे बहुत सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी जगह पर आएंगे मेरे बच्चे। आज का तो प्लस क्लास हमें यहीं पर एंड करना होगा, आज मन तो और भी था कुछ पढ़ाने को बट कुछ बचा नहीं इस टॉपिक में करने के लिए, कुछ और भी रेशियो निकालने का तरीका आएगा लैंग्वेज बेस्ड आपका, हम बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ। हम अगली क्लास में जब आपके साथ मिलेंगे तो अगली क्लास में थोड़ा सा इसका एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के बाद हम एंट्री करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक में जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
आप बिलीव करो इतना मजा वहां पे आएगा, इतना मजा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने मस्त तरीके से स्ट्रांग हुए पड़े हैं ना कि मैं क्या बताऊं आपको। खैर चलिए, अभी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इस टॉपिक के अंदर में, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, और अगली क्लास में मैं एंट्री करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पास आपका। तब तक मेरे बच्चे, आप सबको बाय बाय, टाटा।